रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। लॉकडाउन पार्ट टू के लिए नए निर्देश जारी। 3 मई तक रेल सेवा के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक। बस और सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पाबंदी, मेट्रो सेवा पर भी रोक। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेंगे बंद। विशेष अनुमति को छोड़कर सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद। अब बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, लगेगा जुर्माना। हर तरह के धार्मिक स्थल बंद, नहीं हो सकेगा कोई भी सार्वजनिक समारोह। जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट। अस्पताल क्लिनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। खेती से जुड़े कामों को भी दी गई है छूट। खेतीहर मजदूर कर सकेंगे काम। खेती के औजार बनाने वाली दुकानें रहेंगी खुली। बैंकों को भी लॉकडाउन से मिली छूट। बीमा कंपनियां करती रहेंगी काम। किराना सामान की दुकानें रहेंगी खुली। फलों और सब्जियों की सप्लाई पर रोक नहीं। पोस्टल सेवा रहेगी जारी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लॉकडाउन की पाबंदी नहीं। देश भर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की संख्या। अब तक 11,439 मरीज, 377 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों के मामले में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, 2,687 बीमार, 178 मौत। अकेले मुंबई में कोरोना की वजह से 112 लोग गंवा चुके हैं जान। 24 घंटे में 11 मौत, अब तक 1,756 मरीज। दिल्ली में कोरोना से अब तक 30 लोगों की मौत, 1,561 लोग हो चुके हैं बीमार, एक दिन में 51 नए मामले। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, अब तक 55 इलाके हो चुके हैं सील। यूपी में अब तक 660 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि, 8 लोगों की मौत, एक दिन में 102 नए मरीज। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार, 24 घंटे में 108 नए मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 53 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 700 के पार, 24 घंटे में 127 नए मामले। गुजरात में अब तक 650 लोग कोरोना संक्रमित, 28 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में अब तक 1,204 लोग कोरोना पॉजिटिव, 12 लोगों की मौत। गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना पॉजिटिव। सीएम विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री से की थी मुलाकात। जमातियों के संपर्क में थे इमरान खेड़ावाला और गयासुद्दीन शेख। मरकज से में बाहर से आए 100 से ज्यादा लोगों को पहुंचाया था हेल्थ सेंटर। गुजरात सरकार का बयान, मुख्यमंत्री से 15 से 20 फीट दूरी पर बैठे थे इमरान खेड़ावाला। अहमदाबाद से एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराए गए इमरान खेड़ावाला। दो और कांग्रेस विधायक क्वारंटीन। मजदूरों को गुमराह करने के आरोप में विनय दुबे नाम का शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर चला रहा था घर चलो कैंपेन। घर जाने की ख्वाहिश, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उमड़ा था मजदूरों का सैलाब। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। बांद्रा स्टेशन पर बेकाबू हुई मजदूरों की भीड़। हालात को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। मुंबई में मजदूरों के पलायन की कोशिश के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने किया संबोधन। कहा, आर्थिक संकट से निपटने का प्लान तैयार कर रही है सरकार। मुंबई के मुंब्रा में सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रवासी मजदूर। खाने पीने की कमी की दलील देकर घर भेजने की जिद पर अड़े। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 मई तक लोगों से की घर में रहने की अपील। कहा, अफवाहों पर यकीन न करें। 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया। 20 अप्रैल तक हर इलाके पर रहेगी सरकार की नजर। जिन इलाकों में नहीं आएंगे नए केसेस, वहां शर्तों के साथ दी जा सकती है कुछ राहत। लॉकडाउन के जारी रहने के ऐलान के बाद रेलवे ने भी 3 मई तक सर्विस बंद करने का फैसला किया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। मजदूरों के वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान करेगी सरकार। देश भर में 20 सहायता केंद्र, वर्कर हेल्पलाइन शुरू। लॉकडाउन बढ़ाने के सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। अधीर रंजन बोले, देर से और बिना तैयारी के उठाया गया था कदम। अभिनेता कमल हासन ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, टाइम बम साबित हो सकती है प्रवासी मजदूरों की समस्या, वक्त पर हल करना जरूरी। आज नर्सेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। देश में 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक फ्री में मिलेगा 5 किलो अनाज, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान। दिल्ली से यूपी जाने की कोशिश करते लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बॉर्डर पर चेकिंग के बाद लौटाई गई कई एम्बुलेंस और गाड़ियां। दिल्ली के साकेत इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी ने डॉक्टर को मारी टक्कर। कार खराब होने पर बेटे की साइकिल से ड्यूटी जाते वक्त हादसा।
दिल्ली में लॉकडाउन में लोगों के साथ बेवजह मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। जॉइंट सीपी ने कहा कंट्रोल रूम में कर सकते हैं शिकायत। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे स्वास्थ्यकर्मी। एम्स के डॉक्टर्स ने बनाई पेंटिंग, कविता भी लिखी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दो डॉक्टर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के कश्मीरी गेट से दो बसों में भरकर लाए गए मजदूरों को गाजियाबाद पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। गाजीपुर के शेल्टर होम में शिफ्ट किए जा रहे थे मजदूर। रायसेन में लॉकडाउन का फायदा उठाते नजर आए एसडीएम अनिल जैन। सरकारी गाड़ी में पत्नी को सिखा रहे हैं ड्राइविंग। ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमित जमातियों के संपर्क में आने वाले 50 लोगों को किया गया क्वारंटीन। ग्रेटर नोएडा की गौड़ सिटी में 14 एवेन्यू में रहने वाले एक शख्स की मां की रिपोर्ट पॉजिटिव। 3 मई तक सील की गई सोसाइटी। तमिलनाडु से संभल आए 11 में से 8 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। बीमारों में 6 जमाती शामिल। नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी अब तक 27 इलाके और सोसाइटी सील। रामपुर में कोरोना संक्रमण की वजह से 2 इलाके सील। लोगों में वायरस की पुष्टि के बाद लिया गया फैसला। कानपुर में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 20 लोग हो चुके हैं बीमार। वाराणसी में खाना बांटते वक्त बेकाबू हुई भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देने पर पुलिस पर किया पथराव, पुलिस बूथ में तोड़फोड़। लखीमपुर खीरी में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं पीपीई सेफ्टी किट, डॉक्टर और सेना के जवानों को होगी सप्लाई। लॉकडाउन के दौरान सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला, चाय न देने पर बच्चे के साथ पत्नी को घर से निकाला। देहरादून में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को दी गई 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की सूचना। यूपी के देवरिया में ईंट भट्टों पर पुलिस का छापा, लॉकडाउन के दौरान बनाई जा रही थी 40 लीटर कच्ची शराब बरामद। सहारनपुर में 800 प्रवासी मजदूरों का क्वारंटीन पीरियड खत्म, बसेस के जरिए भेजा जाएगा गृहनगर। अलीगढ़ में ताला बनाने वाली फैक्ट्री को लॉकडाउन से राहत की मांग, फैक्ट्री मालिकों ने कहा मजदूरों को पैसा देना हो रहा है मुश्किल। लॉकडाउन की सख्ती के बीच फेसबुक पोस्ट को लेकर भिड़े दो गुट, जमकर चले लाठी डंडे, करीब 6 लोग घायल। वाराणसी में मोबाइल टावर में लगी आग, एक बहुमंजिला इमारत की छत पर लगा था टावर। बिहार के बाढ़ में सूरत से आए मजदूरों के चेहरे पर 14 दिन बाद लौटी खुशी, क्वारंटीन सेंटर से मिली छुट्टी। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान होते ही दिल्ली के महिपालपुर शेल्टर होम में बवाल, लोगों ने कहा खाना नहीं मिल रहा है यहाँ। भीलवाड़ा में प्रशासन ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, होम डिलीवरी का ऑर्डर दे सकेंगे शहर के लोग। राजस्थान के झालावाड़ में इमरजेंसी और कोरोना वार्ड में काम करने वाले ट्रॉली मैन ने किया काम का बहिष्कार, मास्क और पीपीई किट को लेकर नाराजगी। असम में शराब की दुकानों पर हटी पाबंदी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी करते दिखाई दिए लोग। अजमेर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, डॉक्टर नर्सेस पुलिसकर्मियों पर की गई फूलों की बारिश। बैतूल में डीएसपी ने गीत गाकर बढ़ाया पुलिसकर्मियों का हौसला, लोगों को घर पर रहने की दी सलाह। तमिलनाडु में लोगों ने घर में ही मनाया विशु पर्व, ईश्वर से कोरोना संक्रमण खत्म करने की प्रार्थना। गुवाहाटी में ट्रैफिक पुलिस ने नाच गाकर मनाया बिहू का त्यौहार, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। लॉकडाउन ड्यूटी पर लगे भोपाल पुलिस के जवान ने खुद को मारी गोली, पारिवारिक तनाव की वजह से उठाया कदम। दिल्ली के विवेक विहार में लॉकडाउन के दौरान कत्ल, आपसी रंजिश में पीट पीट कर युवक की हत्या। पटना में पकड़े गए 17 विदेशी जमातियों को भेजा गया जेल, 23 मार्च को पुलिस ने मस्जिद से किया था गिरफ्तार। अंबाला में मस्कट से लौटे दंपति के खिलाफ FIR दर्ज, विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने के आरोप में कार्रवाई। सोनभद्र में दिल दहलाने वाला हादसा, महुआ बीनने गए 3 बच्चों की कुएं में डूबकर मौत। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 11 लाख का जुर्माना, 16 FIR दर्ज, 17 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के ऐलान का उद्योग संगठनों ने किया स्वागत, हालात के मद्देनजर राहत पैकेज की मांग। नए टैक्स सिस्टम में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को देनी होगी कंपनीज को सूचना, CBDT ने जारी किया सर्कुलर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना फ्री जिलों में उत्पादन शुरू करने पर शुरू किया मंथन, मुंबई पुणे में नहीं शुरू की जाएंगी औद्योगिक गतिविधियां। असम में चाय बागानों में कामकाज शुरू करने की मिली मंजूरी, बंगाल में चाय उत्पादकों ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कोरोना से ब्रिटेन की GDP में 13% से ज्यादा की गिरावट की आशंका, दोनों विश्व युद्ध के मुकाबले ज्यादा लुढ़केगी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 1,26,000 से ज्यादा की मौत, 19 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण।
अमेरिका में पिछले 24 घंटे में गई 2000 से ज्यादा लोगों की जान, कोरोना से अब तक 25,989 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में 10,000 के पार पहुंची मरने वालों की तादाद, गवर्नर बोले खत्म हो गया है सबसे बुरा दौर। अमेरिका में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा जल्द आर्थिक संकट से उबरने के लिए लॉन्च होगा नया प्लान। कोरोना संकट के बीच न्यूयॉर्क में आधी और बारिश का कोहराम, लेकिन सेंट्रल पार्क में बने अस्पताल में डर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। फ्रांस में 11 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मैक्रॉन सरकार ने लिया फैसला। इंग्लैंड में जारी रहेगा लॉकडाउन, अब तक 11,329 लोगों की जान ले चुका है वायरस। स्पेन में कोरोना से निपटने की नई शुरुआत, ट्रेन बसेस और मेट्रो में अब तक बांटे गए 1 करोड़ मास्क। कोरोना की वजह से अर्जेंटीना में बेड की कमी, अस्पताल में तब्दील किया गया फुटबॉल स्टेडियम। कोरोना संकट के बीच वेनेजुएला में दवाओं और मेडिकल किट की भीषण किल्लत, 3D प्रिंटर की मदद से बनाया जा रहा है फेस शील्ड। इंग्लैंड में डरहम के एक केयर होम में कोरोना का कोहराम, 13 लोगों की मौत से हड़कंप। पाकिस्तान के धर्म गुरुओं ने इमरान सरकार को दी चेतावनी, कहा कोरोना संकट के नाम पर ठीक नहीं है धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी। संयुक्त राष्ट्र पर भी दिखा कोरोना संकट का असर, आने वाले कुछ महीनों तक नहीं होगी आम सभा की कोई बैठक। हार्वर्ड और MIT पर दिखा कोरोना संकट का असर, नई भर्तियों पर रोक, मौजूदा कर्मचारियों की तनख्वाह में कमी। स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है कोरोना, WHO का दावा, कहा वैक्सीन ही है एकमात्र उपाय। ओरिजिनल रूप में नहीं था वुहान में फैला कोरोना का वायरस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा। पेरू में 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों में कोरोना का संक्रमण, पूरे देश में अब तक करीब 7,000 मरीज। अमेरिका के मैरीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग का अनूठा नमूना, शराब की डिलीवरी के लिए किया जा रहा है कुत्तों का इस्तेमाल। कोरोना संकट के बीच अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहे हैं किम उन जोंग, एक के बाद एक 5 मिसाइल परीक्षण। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।